ये गा रहा है इनका, ये घर। कभी आते ना लोग कुछ बोलते हैं जी गरीबी तो आज के टाइम में है ही नहीं है, लोग सब संपन्न, सब करोड़पति बन चुके हैं। ये है दिखाली विशाली, ये इनका मकान है। कुछ लोग बड़े सारे, कई बार हम फेसबुक के ऊपर देखते हैं तो बोलते हैं जी आज के टाइम में कोई गरीबी नहीं, आज के टाइम में गरीबी है कहाँ। उनके लिए है कि ये थी गरीबी, देखेंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, नहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, तब आपको अमीर ही मिलेंगे, हवेलियाँ मिलेंगी, लेकिन ढूंढने निकलेंगे तो बड़ा बड़ा लाचारी, बड़ी दुनिया में तकलीफें हैं, बड़ा कुछ है। आप यहाँ पे आके खुद एक बार सर्वे करें, जो आते हैं ना जो सक्षम होते हैं, भर पेट खाना खा के लग्जरी अच्छे कमरों में बैठ के एसी में बैठ के कमेंट करते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं कि उनको जब लगता है कि जी कुछ भी नहीं है, दुनिया तो ठीक ही चली है, धरातल भी फिरना पड़ता, तब लगता पता गरीबी का। दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आप सभी को कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम। तो काफ़ी दिन के बाद आज फिर एक सेवा का मौका मिला है जमोला में। बड़ी सारी कॉल्स वगैरह आ रही थी कि भाई जमोला में उस केस को देखिए स्पेशल, वो केस आपने देखा भी होगा पंजाब केसरी में। मैं अब केपी पांजला जी जो रिपोर्टर हैं नगरोटा बगुआ के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो भी ऐसे ही समस्याओं से घिरे लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनको अपनी अखबार में जगह देते हैं, अपनी कलम से उनके बारे में लिखते हैं और वो जग जाहिर होती हैं। तो उनकी समस्या के बारे में मुझे फ़ोन कॉल्स भी आई, केपी पांजला जी ने भी मुझे बताया, उनकी अखबार भी पढ़ी जो आप सामने कटिंग देख रहे हैं। एक किडनी पेशेंट 32 साल का, 31-32 साल का एक लड़का है, अभी मतलब शादी भी नहीं हुई है और अभी एक महीना पहले ही उनकी जो किडनी है वो ख़राब बताई गई टांडा में। तो माता जो हैं उनकी वो किसी स्कूल में लगी हैं, 3500 रुपये में उनका जीवन यापन चला हुआ है। तो 3500 में वो अपने बेटे को, जवान बेटे को पालें या अपना निर्वाह करें, सिर्फ दोनों ही माँ और बेटा हैं, तो उनकी समस्या बड़ी दयनीय है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि उनके पास ये 3500 रुपये में आज के समय में कैसे वो दवाइयाँ, एक डायलिसिस भी ढंग से नहीं हो पाती है। चलो टांडा में डायलिसिस अगर हो जाती है, लेकिन कुछ टेस्ट वगैरह बाहर से होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। तो आप कुछ ना कुछ दान पुण्य, उनका अकाउंट नंबर जो भी है मैं उनके घर में जाकर आपको दिखाऊंगा, मुझे भी नहीं पता अभी तक क्या है, और कुछ मेरे पास जो नगरोटा हेल्पिंग हैंड के दानियों द्वारा जो मेरे पास अभी आते आते जो कुछ दान दक्षिणा दी गई है वो मैं उनको हैंड ओवर करूँगा, कैश दिया गया है मेरे पास। और अगर आप कोई भी दान दक्षिणा करना चाहते हैं तो उनके अकाउंट में सीधे डाल दें, मैं उनका अकाउंट नंबर या गूगल पे फ़ोनपे जो भी मिलेगा वो मैं आपको वहाँ पर मुहैया करवा दूँगा। और जो साथ साथ में शेयर जरूर कर देना दोस्तों इस वीडियो को, क्योंकि आपके शेयर से क्या होता है कि ये जो वीडियो होती है बड़े सारे दानियों समाज सेवियों तक जाती है और वो भी कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं। तो इस वीडियो को ऐसे ना छोड़ें, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक के ऊपर शेयर करें, जहाँ जहाँ भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं सभी जगह शेयर करें, क्योंकि ये शेयर मेरे लिए नहीं है, उन दोनों लाचार बेबस माँ और बेटे के लिए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक पूरा का पूरा देखें। अभी मैं यहाँ पे मसल में पहुँचा हूँ, आप यहाँ पे देख लें, अभी हमें अछरों का भरो यहाँ से जाना है। देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार मुलाकात हुई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज भी सेवा में ही है, जमूला है कोई किडनी पेशेंट ना गया ना। हाँ जी हाँ जी, चौके क्या एक चला गया। हाँ जी गया थले गया। हाँ जी गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी धन्यवाद, ठीक है जी, ठीक ठीक।
मुंडू बीमार है ते मम्मी लगी होना स्कूल पागल की चीज जाना अच्छा जाती गड्डी पैदल जाना पड़ना अच्छा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं लोअर जमूला में और यहाँ पर एक छात्र मिले हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पांचवी में। क्या नाम है? अंकित। और आंटी आपके स्कूल में लगे हैं? वो चाची चाची बोलते हो? ठीक है। जो आंटी हैं, जो लड़का जो जिसकी किडनी की जो बीमारी है, उनकी मम्मी स्कूल में लगे हैं यहाँ पर ऊपर। तो ये छात्र हमें छोड़ने जा रहा है। उनके आगे हैं चाची खुद जी। घर आ गए? जी। चलो ठीक है, चलते हैं उनके घर में। ये लेके जा रहा हम। शाबाश। हो गया है दिन पूरा का। पैदल पैदल रास्ता और विशाल जी लगे हैं लगातार शूटिंग करने। धन्यवाद। एक एक पहलू से रूबरू करवाते हैं, एक एक चीज़ से कि कैसे कैसे जाना होता है। तो पहली बार आए हैं यहाँ पर। अच्छा। तो दोस्तों फाइनली हम वो जो आपने न्यूज़ पढ़ी थी वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। उनका ये घर है। विशाल जी घर पूरा बताएं, पहले यहाँ बताएं। वार्ड परिवार के मुखिया का नाम है विद्या देवी। कौन है विद्या देवी? आप हैं? अच्छा आप हैं। अच्छा। ये है विद्या देवी। अच्छा। थोड़ा ये बता दें मकान वगैरह सारे। तो ये है दोस्तों इनका मकान जो आपने न्यूज़पेपर में पंजाब केसरी में पढ़ा था। तो आज हम आपको उस खबर से रूबरू करवा रहे हैं कि कैसी स्थिति है। कई बार लोग बोलते हैं कि अखबारों में ऐसी चीज़ें आती हैं लेकिन रिपोर्टर ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं, जो सच्चाई है वही सामने है। तो आज हम आपको लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये स्थिति है इनकी। मुखिया का नाम विद्या देवी और विद्या देवी हैं और इनके जो बेटा हैं सिर्फ दो ही हैं घर पर, जैसे कि मेरी इनसे बातचीत हुई थी, बाकी हम इनसे बात करते हैं। और दोस्तों आप ये जो घर देख रहे होंगे ना पूरा, इसमें आपको थोड़ा बता दूंगी, पूरा जितना बड़ा ये घर है उतना नहीं है, उतना इनका नहीं है। इनका कौन सा पार्ट है? यहाँ से अच्छा यहाँ से लाइट है, यहाँ से ये है। ये पीछे से बताना भाई, यहाँ जो खड़े हैं यहाँ से लेके सिर्फ मतलब एक कमरा है ये। ये कमरा देखिए ऊपर ये जगह, ये चीज़ है कि जैसे क्या बोलते हैं कि कितनी ज़मीन है, कितनी जायदाद है, कैसे घरवार हैं। तो ये है सिर्फ एक कमरा है इनके पास, ये वाला आप देख सकते हैं स्थिति। जूते ही खोल देते हैं। नहीं, कोई चक्कर नहीं है, जूते में कीचड़ वगैरह लगा। नहीं, कोई बात नहीं। विक्रांत भाई, तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि हर बार जो चीज़ होती है हम बिना बैठे बिना बातचीत किए सबसे पहले जो चीज़ हम बात करेंगे वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए। अभी हम जैसे जैसे आए वैसे वैसे बातचीत हमने शुरू कर दी कि हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि हमने कुछ इनको पहले बता रखा है या कुछ है, जो कुछ है वो आप सामने देख रहे हैं।
अभी विक्रांत इनका नाम है और इनके जो मम्मी अभी जो बाहर मिले सामने खड़े हैं, यहाँ पे विक्रांत भाई सामने हैं और विक्रांत भाई का जो वीडियो है डायलिसिस वाला वो आपने देख लिया होगा वीडियो की शुरुआत में, साथ साथ में आप अभी भी देख सकते हैं कल टांडा में थे, लगातार डायलिसिस इनकी हो रही है। कितनी डायलिसिस हो रही है आपकी? सर चार इधर हुई, चार शिमला में हुई है और चार इधर हो गई है, तो आठ हो गई है। हफ्ते में दो बार हो रही है, हफ्ते में दो बार हो रही है, चार शिमला में हो गई थी, चार इधर हो गई है। अच्छा दोस्तों, आपको बाहर से तो घर आपको दिखा दिया था विक्रांत भाई का, अब अंदर से आपको बता दें कि इनके पास सिर्फ एक कमरा है। अभी कमरा देखिए कितना बड़ा कमरा है, आपको इतना दिखा देते हैं कि कहीं होता है ना कि बड़े सारे जगीरे हैं, ये कमरा है, एक कमरे में रहन बसर होता है। अभी विक्रांत भाई तो अभी लगे थे कि कुछ ना कुछ आगे जाके इन्होंने करना था, एकदम से बीमारी आ गई है सर। एक कमरा है, ऊपर से दिखा दें विशाल भाई, अभी एक कमरे में दोनों माँ बेटा, और ये ऊपर एक बोर्ड है, ये वाली दिखा दें यहाँ से, बस सिर्फ ये है इनका, एक ये बोर्ड है और ये एक कमरा है छोटा, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, ना बेचने के लिए, ना रखने के लिए, ना बीमारी के ऊपर लगाने के लिए, सिर्फ ये कुछ है इनके पास। तो स्थितियां पूरी बातचीत करते हैं, पूरी आप ध्यान से सुनना है, आपका काम है पूरी स्थिति को, इनकी परिस्थिति को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इतनी दूर से मैं भी आया हूँ, अपने घर से विशाल भी आए, और समस्या मैंने आपको बता दी पूरी समस्या, अभी सुनते हैं कि क्या है। आपने एक काम जरूर करना है, वीडियो पूरा देखना है, साथ में जो कुछ बन पाएगा वो आपने सेवा जरूर करनी है। आपको पता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा, आपका जो 100-100 रुपया भी है ना, इस वक्त भाई के काम आएगा, क्योंकि हमारी मुहिम ही है कि भाई को जल्दी से जल्दी ठीक करना है, जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, और इस उम्र में अब आगे आगे माँ के कब तक ये जॉब करेंगी। तो चलो पूरी बातचीत करते हैं, तो थोड़ा आप अपनी स्टोरी के बारे में बताएं कि पहले आपको कितना टाइम हो गया स्कूल में? स्कूल में मेरे को हो गया सर 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए, और विक्रांत के जो पापा उनको 12 साल हो गए, काफ़ी 12 साल हो गए। क्या करते थे वो? वैसे ड्राइवर थे दिल्ली में, ऐसे लोकल गाड़ी चलाते थे, दिल्ली में ड्राइविंग करते थे, लोकल चलाते थे ऐसे गाड़ी पे। अच्छा तो 12 साल हो गई थी, फिर बीमार हुए थे वो? वो भी बीमार हो गए थे। क्या हुआ था उनको? उनको शुगर हो गया था और बुखार सिर में चढ़ गया था, तो डॉक्टर के पास ले गए हम, तो एक हॉस्पिटल में बताया, फिर दूसरे में ले गए, फिर तीसरे में सर उन्होंने देखा, लेकिन हम दो माँ बेटा ही थे और कोई नहीं था तब हमारे साथ, तो उधर फिर हमें दिखाया डॉक्टर ने, पानी कैसे देखा कैसे नहीं देखा वो हमको नहीं पता। कहाँ? दिल्ली में ही। दिल्ली में? दिल्ली में सर। तो 12 साल से उसके बाद आप स्कूल में लगी? 12 साल बाद फिर वो स्कूल में लगी। अच्छा क्या है आप स्कूल में भी? स्कूल में हम खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं बच्चों को? ठीक है। कितनी आपको यहाँ पे अभी सैलरी वगैरह कितनी मिलती है? सैलरी पहले हमारे को 1000 मिलती थी, उसके बाद 2 हुए, अब 35 हो गई है। पहले शुरुआत में 1000 रुपये, फिर उसके बाद 2000 रुपये, अब 3500 हो गई है। दो महीने हुए अभी, 2 महीने से अभी इनको 3500 रुपये मिलना शुरू हुआ है, 1000 रुपये पे शुरू हुए थे स्कूल में खाना बनाते हैं, फिर 2000 रुपये हो गई, और अभी 2 महीने से 3500 रुपये हुआ है, और आज के टाइम में 3500 आपको पता है कि 1 घंटे में ख़त्म होने वाला अमाउंट है। एक टेस्ट लिख दें हॉस्पिटल में जाके तो 3500 से ज़्यादा का तो एक टेस्ट ही होता है। अब एक 3500 रुपये में इन्होंने खाना भी खाना है, मतलब आपको पता ही जैसे आपका परिवार है वैसे इनका परिवार है, वैसे हमारा परिवार है, कि आज के समय में एक सिलेंडर का आप रेट देखें, एक बिजली के आप बिल देखें, सारे खर्चे आप मिला लें तो 3500 में कैसे गुजर बसर होगी। आखिर ये असल मायने में जो गरीबी होती है ये चीज़ है, कि इस टाइम पे चलो आगे आने वाले विक्रांत अपने कैसे क्या करते थे इनसे बातचीत हम करेंगे कि विक्रांत क्या कर रहे थे। विक्रांत जी आप क्या करते थे पहले? एक काम बेकरी में, दिल्ली में ही? अच्छा कितनी सैलरी मिलती थी आपको? 10000 रुपये। खाना पीना रहना? अच्छा 10000 रुपये सैलरी। तो कितना टाइम हुआ आपको वहाँ से, मतलब थोड़े जो कि प्रॉब्लम आई आपको? एक महीना हुआ। तो एक महीने में पता चला इस बीमारी के बारे में? एकदम नहीं पता लगा।
क्या हुआ शुरुआत में? शुरुआत में बुखार लगे थे, उसके बाद में पलटी हुई और दस्त हो गए। उल्टियाँ लग पड़ी? हाँ जी, तीन उल्टियाँ हुई और दस्त हुए बस। फिर आपने दवाई ली वहाँ पे? दवाई तो पहले ले रहा था बुखार की, फिर नहीं फर्क पड़ा, फिर डॉक्टर से ली, डॉक्टर के बाद नहीं फर्क पड़ा। उधर से बोला जो ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने बोला घर चला जाता था। अच्छा, मतलब वहाँ पर ठंडा ठुंडा में दिखा बोला यहाँ पर नहीं ठीक होने वाला था। अच्छा, यहाँ पर आए तो इन्होंने ठंडा वालों ने ऐसे रिपोर्ट करके बताया। अच्छा, किडनी की प्रॉब्लम है, बोले ऐसे बोला चले जाओ या फिर पी जी आई चले जाओ। अच्छा, इन्होंने डायग्नोज जो टांडा में किया कि आपको किडनी की दिक्कत है? हाँ जी, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखे, उन्होंने बोला कह रहे किडनी में एकदम से कैसे प्रॉब्लम आ गई सर। वो तो हमारे को समझ नहीं आ रहा भी एकदम कैसे होगा। एक महीना ही हुआ डॉक्टर के हमारे को यही बोल रहे हैं, अभी एक महीना हुआ, अभी एक महीना में इतना ऐसे जल्दी कैसे हो गया, वो हम भी परेशान है सर। मेन दिक्कत ये है क्योंकि हमने जब केस वेरीफाई किया तो विक्रांत जी के बारे में पता चला कि ना कोई किसी तरह का कोई नशा करते हैं, ना उनमें कोई बीड़ी ना सिगरेट ना शराब कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी एक मतलब अभी 31 साल की एज है, उसमें एकदम से किडनी का डैमेज हो जाना बहुत बड़ी। डॉक्टर के बारे में सर यही बोल रहे हैं भाई एकदम कैसे होगा, डॉक्टरों की समझ में नहीं कि एकदम से क्योंकि किडनी फेल ही रहा है एकदम से तो होता ही नहीं है। वो भी इसलिए हमारे को कह रहे हैं भाई चंडीगढ़ चले जाओ, और चंडीगढ़ जाने के लिए अभी एक महीना ही हुआ है। प्रॉब्लम तो भी है ना, मैं अभी जाना है कैसे है अभी कैसे आपका खर्चा कितना हो गया एक महीने में सारे टेस्ट? खर्चा हो गया हमारा 25,000 हो गया इस टाइम पर। 25,000 रुपये? तो हेल्थ केयर कार्ड वगैरह आपका बना है? वो तो हाँ लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे को जो बाहर के टेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, टांडा में जो बाहर के जो टांडा में भी और शिमला में भी बाहर के टेस्ट आ रहे हैं। कितना टेस्टों का खर्चा ही 25? हाँ जी हाँ, वो तो अंदर का होगा ना, जो भी एडमिट करेंगे तो कार्ड तो वहाँ लगेगा, लेकिन जो बाहर की लैब्स के जो टेस्ट होते हैं वो तो बाहर 3,000 का। तो हमें परसों चौथ गए, 3,000 का था, उन्होंने बाहर के टेस्ट लिखे थे वो ही लिए। मतलब आपकी एक महीने की सैलरी एक टेस्ट में चली गई। शिमला में भी 2,200 का 2,500 का ऐसे टेस्ट ले रहे थे बाहर का, और इधर भी परसों चौथ गए थे 3,000 का एकदम ही उन्होंने टेस्ट लिख दिया बाहर। लेकिन हमें मना भी करा, मैंने हमारे के से नहीं होता भाई बाहर, तो कह रहे वो तो कराना ही पड़ेगा। अब क्या करें सर, बच्चा तो बचाना है सर, इतने यही कमाने वाला था वो, ये भी बिस्तर में पड़ गया। तो मेरी सैलरी कितनी की है, मैं कहाँ कहाँ लगाऊँ, खाने में लगाऊँ, इसकी बीमारी में लगाऊँ, क्या करूँ। उतनी ज़मीन भी नहीं है हमारे पास, जो ज़मीन में भी है, लेकिन अब देख रहे हैं बीस में चंगर में ज़मीन भी क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो मैं भी आया, इनको देखा भी है इन्होंने कि कैसे यहाँ की वैल्यू ज़मीन की, अगर एक तो है भी मेरे ख्याल कुछ मरले, कितनी मरले ज़मीन मरले भी होगी कुछ, यही है कुछ। लेकिन ऊपर से यहाँ पे ना कोई बाइक तक नहीं आती, हम भी यहाँ पर कोई आधा किलोमीटर पीछे गाड़ी खड़ी करके आए हैं, तो यहाँ की वैल्यू आपको पता ही है। एक दो दो है भाई सारी इकट्ठी है, हाँ भी जमीन जायदाद हो जी, कुछ जमीन बेच दी तो तब भी इलाज होगा। हाँ, वो भी नहीं है ना, बेचने लायक भी नहीं है ना हम, वो भी नहीं है, जो बेच दे बच्चे को बचा ले वो भी नहीं है स्थिति मेरी तो। बाकी आपके और परिवार में कौन है? परिवार में बस हम दो, ये लड़की है, लड़की की मैंने शादी कर दी है, तो अपने ससुराल चली गई है, अब हम दो माँ बेटा ये सब देख लो सर क्या। अभी इनकी शादी भी नहीं हुई है? नहीं सर, अभी नहीं है। तो ये है दोस्तों स्थितियाँ, क्योंकि मैं अपनी सरकार से यही बातचीत करूँगा कि चलो जो भी समाज है वो जाननी है, वो तो अपनी नेक कमाई का हिस्सा तो देते रहते हैं, लेकिन ये सारे काम जो इनको सरकारों के हैं, कोई भी सरकार है, मैं किसी एक सरकार को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही करो। मेन मैं बात कर रहा था सरकारों से कि सरकारें सिर्फ ज़्यादा नहीं, हम पीछे पड़े रहते हैं और एक ही चीज़ लाई होती है, सिलेंडर आलू टमाटर प्याज, बस इसी में हमारी दुनिया घूम रही है, और दुनिया कहाँ पर पहुँच चुकी है। मैं सिर्फ सरकारों से एक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा इसको पूरा ले लें, क्योंकि एक शिक्षा जो बच्चों की पढ़ाई करवाते 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 जो माँ बाप होते हैं वो कंगाल हो जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है, जो अगर एक गरीब तबके के हों या मीडियोकर भी हिल जाते हैं, मीडियम वर्ग के लोग भी, तो एक तो शिक्षा में चला जाता है आधा ही तो ज़िंदगी, उसके बाद भी अगर नौकरी लगे ना लगे कब लगे कोई पता नहीं।
दूसरा स्वास्थ्य। एक जवान बेटा जब इस स्थिति में हो जाए, और जिनके पास कुछ जगीरें होंगी वो तो चलो बेच के लगा देंगे, जिनके पास ज़मीन जायदाद हैं वो अपनी ज़मीन जायदाद बेच के भी अपने कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसी हालात होते हैं जिनके पास ना जगह है, ना ज़मीन है, ना धन है, ना दौलत है, ये क्या करेंगे? 3500 रुपये में एक बताएं, ऐसे ऐसे कई परिवार होंगे। अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब श्री जयराम ठाकुर जी अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सर यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तो आप ही हैं, आगे पीछे का तो हमें नहीं पता, वो तो भगवान को पता और समाज को पता कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी तो वर्तमान में आप हैं। तो यही चीज़ें मैं अभी आपसे ही डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि ऐसे ऐसे परिवारों को आप नज़र में रखें। सिर्फ रोटी नहीं खानी होती है, सिर्फ हमें वो सिलेंडर नहीं हर महीने भराना होता है, ये तो हमें जीवन यापन के लिए करना ही पड़ेगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जैसे ऐसी ऐसी जब बीमारियाँ पड़ जाती हैं घर में, जब ऐसे ऐसे जवान बेटे, एक रिल्लू वाला आपने केस देखा था शाहपुर रिल्लू का, उसमें भी यही समस्या है, ना उनके पास ज़मीन है, ना जायदाद है, माँ अपने बेटे को ले लेके पिछले 6 महीने से भटक रही हैं। नगरोटा हेल्पिंग हैंड से उनकी लगभग 4 लाख रुपए की हमने लोगों से मांग मांग के उनकी हेल्प की, लेकिन अभी भी उनकी पूरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। दूसरी एक समस्या सेम वैसी ही आ गई, एक और माँ एक और बेटा सेम वैसी स्थिति। तो सरकारें सिर्फ ज़्यादा कुछ ना करें, सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा का जिम्मा ले लें पूरे का पूरा, किसी भी तरह की कोई बीमारी है जैसे हेमकेयर कार्ड या आयुष्मान कार्ड जो भी बने हैं उसमें पूरी करें, सिर्फ 5 लाख के दायरे में मत रखें, उसमें पूरी जो भी है वो सारा उसमें कवर करें, ताकि ऐसे से अगर किसी का बेटा, जवान बेटा, या किसी की माँ या किसी का बाप, कोई भी परिवार का सदस्य अगर इस स्थिति में आ जाता है, तो उसको इतना फक्र होना चाहिए अपनी सरकार के ऊपर कि हमारी सरकार इतनी है कि वो हमें पूरा संभाल रही है, कभी भी चले जाएं तो उनका वो कार्ड चल पड़े वहाँ पर जाके, हर टेस्ट उनके फ्री हों, कैशलेस हों, क्योंकि ऐसे गरीब लोगों को तो कोई कर्जा भी नहीं देता। बड़े सारे ऐसे कई बार सुनने में आता, जी हम उसके पास गए, उस विधायक के पास गए, उस मंत्री के पास, उन्होंने बोला जी आप बिल दे देना, बाद में हम बिल ये करवा देंगे, आप किसी से उधार ले लो। एक चीज़ बोल दूँ, जो समस्या में घिरा हुआ एक गरीब इंसान होता है उसको कोई उधार भी नहीं देता है, उसका तो हालचाल भी नहीं पूछते हैं, उनका फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं लोग, अपने रिश्तेदार भी बंद कर देते हैं, क्योंकि रिश्तेदार बेचारे कितने संपन्न होंगे, वो भी क्या करेंगे, तो उधार कौन देगा? उनको पता है जब इनके अपना जी समय ठीक नहीं चला तो हमारा उधार कैसे वापस करेंगे। तो ऐसी बात तो मैं ना उलझाएं कि जी आप बिल दे देना, ये दे देना, ये देखें कि आप जाओ जी हम वहाँ पे बात कर लेंगे, आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा। ऐसा कोई सिस्टम बनाए जहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा जो है पूरा कवर हो, क्योंकि जब से नगरोटा हेल्पिंग हैंड हमने ये छोटी सी मुहिम चलाई थी, अभी तक हम लगभग 26-27 लाख रुपये हम इकट्ठे कर करके ऐसी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो मेन जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ पर आकर जो होता है कि क्या करेंगे, अब ये सोचिए क्या करेंगे, ये 3500 रुपये में 3500 से ये सिलेंडर भराएंगे, खाना खाएंगे, बस का किराया देंगे या इलाज करवाएंगे। और आपको अभी माता जी ने बता दिया कि एक ही टेस्ट इन्होंने कुछ 3500 रुपये का लिखा था, 3000 रुपये का टेस्ट, और अभी तक पता नहीं एक महीने में ही लगभग कितना 25,000 रुपये टेस्टों में लगा बैठे हैं। अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे क्या होगा? किडनी की बीमारी है, कोई ये नहीं कि उंगली कटी फटी है और ठीक होगी 2 महीने में, आप खुद समझदार हैं, सब आप वीडियो को देखने वाले समझदार हैं, कैसे होगा इनका कवर? तो इस तरीके के कई परिवार हैं, इस तरीके की कई लोग हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करें, इन मुद्दों को उठाएं, चाहे वो पक्ष है, विपक्ष है, कोई भी है, मैं सरकारें जो भी हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। ऐसी कोई बीमारी जब किसी परिवार में लग जाती है ना, तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं होता कि उसको बेच के भी कुछ कर पाएं, मतलब भगवान के सारे भगवान भी कहाँ आज कलयुग में साक्षात उतर आएंगे धरती के ऊपर। भगवान आप सभी दानी हैं, आप सभी नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, आप ही इस वक्त धरती के भगवान हैं, जिनको सत्ताएं सौंपी गई हैं, जिनके बड़े बड़े ओहदे मिले हैं, आप ही इस वक्त धरती के भगवान हैं। आपके रूप में, दानियों के रूप में ही इनकी समस्याओं का समाधान होगा। अगर कोई समस्या में फंस गया है, जानबूझ के तो कोई समस्या में फंसना नहीं चाहता, इनको कोई शौकीन तो है नहीं कि हम किसी को बुलाएं, ऐसे वीडियो में आएं, ऐसी लाचारी दिखाएं, किसी को शौक नहीं होता है। लेकिन मैं भी अब वीडियो के माध्यम से ही मैं करूंगा अपील आपसे, मेरे पास भी इतना तो है नहीं धन दौलत कि मैं अकेला वीडियो के बिना ही इनको कुछ देके चला जाऊं। 1500 रुपये अगर दे भी जाऊंगा तो इनको क्या बनेगा, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी ना, इसलिए वीडियो बनाना पड़ता है। बोलते दिखावा करता है, ये है वो है, आप जो मर्जी बोले, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, आपको तो दिखाना पड़ना मेरे को।
अब नहीं दिखाओ, बड़े सारे कमेंट आते हैं जी ये दिखावा, जब आपने दान पुण्य करना है, किसी की सेवा करनी तो दिखावा क्यों करते हैं? तो मुझे ये बताएं, इनके अब लाखों रुपए के खर्चे हैं, कैसे करें? मुझे आप बता दें जो वैसे नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ सरकार से अपील कि ऐसे ऐसे बड़े सारे परिवार हैं, वहाँ आलू प्याज से बाहर निकलें, सिलेंडरों से बाहर निकलें और स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। कई बच्चे जो होते हैं बेचारे, जो पता नहीं आगे जाके क्या कुछ उन्होंने बनना होता है, सिर्फ पढ़ाई के अभाव में, पैसे के अभाव में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो रह जाते हैं छोटे से मतलब बुजुर्ग बशर करने में, और ऐसी ऐसी बीमारियों में फंसे परिवार, उनकी दिक्कतें देखिए। एक सर्वे किया जाए कि कितने हिमाचल में हमारे परिवार हैं, तो आपने देखना एक सर्वे करवा लीजिए, हर गांव-गांव में जाके ऐसे ऐसे देखना कितने माँ और कितने बेटे और कैसे ऐसे इतने कितने परिवार होंगे जिनके पास मतलब सुबह की रोटी खा के शाम की रोटी का पता नहीं होता कैसे खाएंगे, उनके बारे में सोचें। छोड़ दें आलू प्याज सिलेंडर को, इनको दो मेन चीज़ें हैं, कोई भी सरकार है सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। रोजी दाल रोटी तो जानवर भी कुछ ना कुछ जुटा ही लेते हैं शाम तक, चिड़िया भी अपने बच्चों का और खुद का अपना कर ही ले, पेट भर ही लेती है, लेकिन ये समस्याएं होती हैं, ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपसे कर रहा हूँ जो भी है, क्योंकि मैं बोलता हूँ थोड़ा कड़वा हूँ, क्योंकि सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है। मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ कि ये है वो है, मैं आपसे वर्तमान सरकार में और जो भी सरकारें पक्ष विपक्ष हैं, जितने भी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। समाज का बुरा हालत है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धरातल में देखें, टीवियों के ऊपर इश्तिहारों में बड़ा कुछ अलग दिखाया जाता है, धरातल में जो हालात हैं बिल्कुल अलग हैं। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इन हालातों को सुधारें, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन दें सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा, ताकि बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे अहदे पे पहुँच जाएँ, उनके हालात सुधरें, और जो हालात अभी ख़राब हैं उनके लिए आप सरकारें बैठी हुई हैं समाधान करने के लिए। तो ये सरकारों से अपील हो गई। अब मैं अपील करना चाहता हूँ जितने भी आप दानी हैं, दानी कौन है? आप में से दानी वो हैं जो अपनी नेक कमाई से, जैसे 10 रुपये भी अगर को अपनी नेक कमाई से निकालता है वो दानी है। क्योंकि जब हम कहीं भी आप कथा पढ़ लो, कुछ भी कर लो, तो बोलते हैं कि अपनी कमाई का दशांश 10वां हिस्सा जरूर दान में रखना चाहिए, जो ऐसे जरूरतमंदों के काम आता है। अगर आप दिन का 1000 भी कमाते हैं तो 100 रुपये आप इनके लिए रखें, क्योंकि धर्म कर्म साथ साथ चलना चाहिए। धर्म कमाने के लिए हमें अलग से टाइम नहीं मिलेगा, जीवन निकल जाएगा कि हाँ जी हम अलग से एक धर्म कमा लेंगे, ये कुछ कर लेंगे, वो धर्म नहीं हुआ। हमें साथ साथ ही हमें अपनी नेक कमाई का कुछ ना कुछ पार्ट रख के इस सेवा में हम बैठे हैं, आपकी सेवा को अच्छी अच्छी जगह लगाने के लिए। आपको पता है कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स अपने पास कोई पैसा नहीं लेता है, ये तो कुछ पैसे दे जाते हैं, वो राह चले में कुछ दुकानदार भाई होते जी हमारे से पकड़ लेना नगरोटा के, तो उनसे मैं ये ले आता हूँ, अदरवाइज हमारा कोई अकाउंट नहीं है, और वो भी हम ट्रांसपेरेंट सेवा आपकी रखते हैं, तो वो सेवाएँ हम इनको आपके सामने ही देते हैं। तो ये चीज़ है, आप दान पुण्य में आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नेक कमाई का हिस्सा दें, क्योंकि जो भी ऐसी ऐसी परिस्थितियों में कोई फंस जाता है, क्योंकि बीमारी हालात खराब बुरे अच्छे हालात बोल के नहीं आते, इनको भी नहीं पता था 1 महीना पहले। आपने कभी सोचा था ऐसी परिस्थितियों में? नहीं सोचा था सर, हमने तो कोई भी नहीं सोचता ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियों के ऊपर ऐसी स्थिति आए, तो ये स्थिति बोल के नहीं आती है, इसलिए आगे हमेशा अच्छाई में आगे रहें, ताकि भगवान जो है हमेशा ठीक ठाक रखे सबको। अगर कोई परिस्थिति में कोई फंस भी जाता है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हम इंसान हैं। एक जानवर जब घायल हो जाता है तो उसके जो बाकी जानवर होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक गाय घायल हो जाए तो बाकी देखना कितने बैल गाय उसके आगे पीछे हो जाते हैं। वो तो अच्छे थे, चलो हमें 3500 में गुजारा कर रहे थे, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा था। हाँ जी, लेकिन अब तो नहीं चलेगा ना, बड़ा बड़ी स्थिति खराब है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, परिस्थितियाँ आपको बता दी कि भाई पहले फैक्ट्री में काम करते थे, बिस्कुट फैक्ट्री में, माता जी 3500 रुपये में लगी हैं स्कूल में, 1000 से लगी थी, 2000 हुआ, 2 महीने से 3500 हो गया, और 3500 मात्र एक टेस्ट का खर्चा है, इससे महंगे महंगे टेस्ट हैं, इससे महंगे महंगे। तो अभी तो शुरुआत है, आप जानते होंगे जितने भी हैं आपको पता होगा कि जिनको किडनी की जब बीमारी शुरू होती है तो आगे कहाँ तक बढ़ जाती है, और हम तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अभी ट्रीटमेंट कहाँ का चल रहा है आपका? अभी तो इसका ही है, डायलिसिस हो रही है। हाँ। तो ये तो ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक फौरी राहत है, फिलहाल दवाई जो है वो सिमले वालों में दी है, अभी वही चल रही है। अभी आप PGI वगैरह का करेंगे आगे? PGI में बोल रहे हैं हमारे को भी वहाँ चले जाओ। चलो ठीक है, आप PGI जाएं, बस यही है। आप बस वीडियो को ना, आप देख रहे जितने देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इनका ये वीडियो अगर शेयर नहीं ना हुआ, अगर आपने छोड़ दी कि चलो छोड़ो यार क्या करना शेयर,
इनकी कौन सुध लेगा यार, ये चीज़ बताओ, शेयर कर दो इतना ज़्यादा जिसके पास भी आता है। आप चाहे दान कर रहे हैं, आपसे अगर जेब में नहीं है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दे, पता नहीं किस दानी तक पहुँच जाएगा और वो इनके लिए मतलब भगवान समान हो जाएंगे। आपका शेयर जो होता है बहुत ज़्यादा, आपको शेयर करने से भी फल मिलता है। आप इनका जब शेयर करेंगे किसी दानी तक, किसी मंत्री तक, कहीं तक आपका वीडियो पहुंचेगा और इनको जब सहायता मिल जाएगी तो उसका पुण्य भी तो आपको मिलेगा। तो पैसे का अगर आप सक्षम है पैसे का दान कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इनका अकाउंट नंबर मैं आपको देता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक पर्सन, जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, सारे सभी का कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दानियों तक पहुँचाएँ। इनकी समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है। साथ में यहाँ पर कुछ डोनेशन अभी आई है, मैं वो बताना चाहता हूँ। पहले तो डोनेशन मैं दे दी थी, अब ये है मनोज शर्मा है, बाबा बुड़ो वाले जिनका पेट्रोल पंप है, उन्होंने 2100 रुपया भेजा है। 2100 रुपया बबलू वालिया गणपति करियाना स्टोर वाले जहाँ से हम बेटियों की धाम का सामान लेते हैं, उन्होंने 2000 दिया है। जितेंद्र वर्मा जी हैं जिनकी भरमौर में भी अपनी दुकान है ज्वेलर्स की, और नगरोटा में ग्रामीण बैंक के साथ भी इनकी दुकान है, उनका बेटा वहाँ पे बैठते हैं, तो 2000 जितेंद्र वर्मा जी ने दिया है। और 500 रुपये मेरे मम्मी डैडी ने दिया है, और त्रिशेन धीमान जी हैं उन्होंने 500 दिया है। सुचिता शर्मा जी अपने देहरा से हैं, उन्होंने 500 रुपये भेजा है। अजय भन्यारी जी थारू ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, उन्होंने 500 रुपये भेजा है। हमारे जितेंद्र भाई जी हैं थारू से ही, जीतू भाई, उन्होंने 201 रुपये भेजा है। और राजन जम्बाल जी ने 1000 रुपये भेजा है। तो 9301 रुपये की सेवा भेजी है। 9301 रुपये में लगभग कुछ 700 रुपये बचा, वो 700 रुपये हम मैं अपनी तरफ से डालकर इनको 10000 रुपये की सेवा देना चाहता हूँ यहाँ पर। कि 10000 कुछ भी नहीं, एक सेवा, चलो एक छोटी सी सेवा हुई है। तो ये सेवा जो भी थी आपकी, आपको पता है निस्वार्थ भाव की सेवा है आपकी, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जो आपने दिया था मेरे पास वो सीधे ही माता जी के स्पोर्ट मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो भी चीज़, अब मैं अपना अकाउंट तो देता ही नहीं, ये जो कुछ मेरे को पकड़ाए थे पैसे वो मैंने यहाँ पर इकट्ठे करके दे दिए। बाकी हमारे अकाउंट में कोई भी मेरे नंबर पे कोई भी गूगल पे फोन पे अकाउंट में ना भेजें, इन्हीं का अकाउंट नंबर होता है। बाकी आपका अकाउंट नंबर की ये कॉपी देखी थी ना, बेटे उठाना है ये कॉपी है। थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सारी स्थितियाँ बतानी पड़ती हैं। थोड़ा अकाउंट नंबर ये मैं थोड़ा ना यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कॉपी यहाँ पे ठीक है, ये अकाउंट नंबर है। बाकी स्क्रीन के ऊपर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका अकाउंट नंबर ये लगा देता हूँ। आपसे जो कुछ दान पुण्य हो वो जरूर करें, क्योंकि अभी इन्होंने इनको कहा, वो तो इनके पास तो आएगा नहीं सीधे, वो तो लैब में जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा, मेडिकल स्टोर में जाएगा, वहीं जाएगा ताकि भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। भाई आपका गूगल पे चलता है नंबर, पेटीएम चलता है, पेटीएम ही करते हैं ना यूज, ये है और पेटीएम नंबर है, पेटीएम है, गूगल पे फोन पे नहीं इन्होंने रखा है, सिर्फ पेटीएम रखा है। पेटीएम नंबर क्या है आपका, एक मिनट, ये जो नंबर है वही है ना, एक मिनट मैं एक मिनट आपको ना पेटीएम नंबर देता हूँ। अगर कोई पेटीएम करना चाहे तो गूगल पे फोन पे नहीं है, अकाउंट नंबर है वो स्क्रीन पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। और बाकी ये है, नंबर नोट करना आप, इनका पेटीएम नंबर है और कॉलिंग नंबर भी, अगर आप इनसे बातचीत करना चाहते हो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। इनका नंबर है 83682, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 04734-83682-04734-34-34-34। ये है विक्रांत जी हैं, जमूला से हैं ये, और इन्हीं का नंबर है, इनका पेटीएम नंबर है। बाकी अकाउंट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं और जो हर संभव आपसे सहायता हो सहायता ज़रूर करें। ठीक है, यही चीज़ मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर हमारे ग्रुप हेल्पिंग हैंड्स के साथ जुड़कर आगे भी सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, ताकि हमारे पास जो भी ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हम मिलजुल कर उनका समाधान करें। आप जुड़े होंगे हमारे साथ तो मैं कोई केस लेके आऊँगा तो आपको वीडियो के जरिए मिल जाएगा, उसके बाद आप उस केस में कुछ ना कुछ दान पुण्य करके अपनी नेक कमाई का हिस्सा देकर आप वहाँ पर नेकी कमा सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विक्रांत भाई यहाँ पे दिखा, ये विक्रांत भाई यहाँ पे, एज कितनी भाई आपकी, 32 32 है।
तो ये विक्रांत भाई, इनकी हेल्प करें, क्योंकि विक्रांत भाई जब ठीक हो गए तो उसके बाद ठीक है फिर अपने काम में लग जाएंगे। यही हमारा कि इनको जरा बिस्तर से उठा के फिट कर दें, जब ठीक ठाक हो जाएंगे उसके बाद ये अपना कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर अपनी माँ को भी संभाल लेंगे, आगे अभी बड़ा काम है तो ठीक है वो है। बस ये थोड़ी सी परिस्थिति है और जल्दी ठीक होने की इनके संभावना है, क्योंकि अभी एक महीना हुआ है, अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी अगर हम इलाज इनका करवा देंगे इकट्ठे होके, सरकारें भी आ जाएँ, दानी भी आ जाएँ, तो अभी महीना महीने में डॉक्टर संभाल लेंगे। तो आप जल्दी से अभी PGI चले जाएं, आपके पास जो कुछ था 10,000 दे दिया, तो वहाँ पे आ जाके अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ से इलाज करें। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलने के लिए, जो कुछ था बाकी आपकी कोई राय है कमेंट कर सकते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर विक्रांत भाई से बात तो नहीं होगी, इनके मम्मी से आप बात कर सकते हैं, और एक और नंबर आपको दे दिया, और जो कुछ आपसे हर संभव सहायता होगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ में दोस्तों वीडियो मैंने एंड कर दिया था, एक चीज़ तो अभी पता लगी कि इनका जो खाता है आप पता कर सकते हैं, जो अकाउंट नंबर है सिर्फ यही अकाउंट 7,000 रुपये लगभग था इनके खाते में, तो वो तो सारा लग गया, अब सिर्फ इनके खाते में 500 रुपये रखा कि अकाउंट बंद ना हो जाए, जो मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करने के लिए रखना पड़ता है, बंद ना हो जाए खाता, उसको सिर्फ 500 रुपये बचा इनके पास चालू रहे खाता। तो ये स्थिति है इनकी, अभी मेरे को तो बाद में पता चला, तो मैं वीडियो ऑफ कर दिया था, फिर दोबारा से रिकॉर्ड किया स्पेशली बताने के लिए कि सिर्फ इनके खाते में 500 रुपये है, आप चाहे बैंक में जाके पता कर सकते हैं इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने नहीं, आप पता कर सकते हैं, इंक्वायरी आप खुद कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जो भी आपने करनी है।